राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर आज पहुंचे तो आज उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी ने ये लोकसभा चुनाव अपने दम पर जीत लिया है। और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नैतिक रूप से इन चुनावों में हार गए हैं और ये जनादेश ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग और सरकार की कार्यशैली के खिलाफ आया है। और आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को भी धन्यवाद दिया है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। उनको उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है जो यहां पीछे छुपी हुई है। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं, विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा, अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है। देखिए, ये बड़े अजीब से नतीजे हैं और शायद पहली बार आपने ऐसा देखा होगा जब विपक्ष असल में हार गया है लेकिन वो जश्न ऐसे मना रहा है जैसे अगली सरकार उन्हीं की है, जैसे उन्होंने मोदी को हटा ही दिया है। और एनडीए गठबंधन जीतने के बाद भी, बहुमत हासिल करने के बाद भी, विपक्ष उनसे ये कह रहा है कि ये जनादेश आपके खिलाफ है।